बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बात करनी है सफ़ेद मक्खी के पार्ट टू की। पार्ट वन के अंदर मैंने बताया था कि सफ़ेद मक्खी की पहचान क्या है, उसके दौरान ज़िंदगी या लाइफ साइकिल के बारे में बात की, उसके नुकसान के बारे में बात की थी। फिर यह है कि वो कौन से साजगार मौसमी हालात हैं जिसके अंदर इसकी आबादी फैलती है, बढ़ती है, उसके बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगा सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट या इंसदाद के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे स्प्रे टेक्निक के बारे में। अब मैं बात करूंगा सफ़ेद मक्खी के गैर कीमियाई इंसदाद के बारे में। गैर कीमियाई इंसदाद में वो काश्ती अमूर हैं जिनको हम बरूह के आकार लाकर सफ़ेद मक्खी की जो आबादी है उसको कम से कम रखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जड़ी बूटियों का कंट्रोल, खसूसन चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ सफ़ेद मक्खी के हमला को ज़्यादा फेवर करती हैं। जिस खेत के अंदर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होंगी उसके अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होगा। इस वजह से ये है कि अपने खेतों को आप साफ सुथरा रखें और जड़ी बूटियाँ, ख़ास तौर पे जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनको अपने खेत में हर सूरत कंट्रोल करें, ताकि ये है कि सफ़ेद मक्खी की जो आबादी है वो ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा आता है बर वक्त आबपाशी। पानी की कमी की शिकार फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है, इसलिए कपास को सोका लगने से पहले पानी की सिफारिश की जाती है। तीसरा है किसान दोस्त कीड़ों की अफजाइश। इसमें ग्रीन लेस रंग, लेडी बर्ड बीटल और वास्प के लिए आप अपने खेतों में मुनासिब माहौल मुहैया करें, ताकि इन दोस्त कीड़ों की जो पॉपुलेशन है वो आपके खेतों में ज़्यादा हो, ताकि ये है कि ये भी सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करें, उसकी आबादी को ना कम से कम रखें। इसके बाद आता है दवाई का इंतखाब। दवाई के इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आता है आपने दवाई ऐसी मुंतखब करनी है जो कि सफ़ेद मक्खी की तमाम हालतों को यकसां कंट्रोल करे। दूसरे नंबर पे है कि आप ऐसी दवाई मुंतखब करेंगे जो कि आपकी फसल के लिए ज़्यादा महफूज हो, क्योंकि यह है कि अगर आप ऐसी दवाई का इंतखाब करते हैं जो सफ़ेद मक्खी को तो कंट्रोल करती है, लेकिन यह है कि अगर फसल के लिए मौजूद नहीं है तो फिर यह है कि हो सकता है आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लें, लेकिन यह है कि आपकी जो फसल है वो नुकसान हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है दवाई आपने ऐसी इंतखाब करनी है जो किसान दोस्त कीड़ों के लिए कदरे महफूज हो, ताकि यह है कि दवाई के साथ साथ किसान दोस्त कीड़े भी इस मक्खी को कंट्रोल करने में मुआवन साबित हों। फिर यह है कि आपने दवाई ऐसी इंतखाब करनी है जो कि माहौल दोस्त हो, आपकी लेबर के लिए, आपके स्प्रे मैन के लिए इंतहाई महफूज होनी चाहिए। अगर आपके खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी बालिक, अंडे और बच्चे मौजूद हैं तो फिर FMC सिफारिश करती है कि एसीलान 125 मिलीलीटर और एडमिरल 200 मिलीलीटर का टैंक मिक्स इस्तेमाल करें, और इसी ही टैंक मिक्स को 6 से 8 दिन के बाद आप दोबारा रिपीट करें।